हम चर्चा करेंगे क्या है, प्रक्रिया क्या है, किस तरह के कम्युनिकेशन होते हैं, क्या बैरियर होते हैं और उनके क्या किन किस पद्धति से हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर पाते हैं, ये सब चीजें होंगी। ठीक है, तो चलिए कम ऑन, स्लाइड फास्ट चलाना। सबसे बुनियादी चीज जो इंसान की आवश्यकता क्या है उसकी समझे जाने की। बहुत से अपराध इसलिए होते हैं क्योंकि व्यक्ति को लगता है वो तो मेरी बात समझ नहीं रहा है, तो वह अपराध बन समझ समझ में नहीं आती, मोड़ी मोड़ी जानते हैं जिनके सवाल। सेंस ऑफ कंट्रोल, पावर का इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रुक कर किसी की बात पूरी तरह से समझो तो आधी विवाद का कोई मेरे की अर्थ आज जी मत नहीं बोलेगा वो। कौन है ये? रणबीर सिंह जी, आपसे कल हम पूरा आज का जितना बात हुई है आपको ही रिकैप करना पड़ेगा और कल आपको इसकी पूरी क्लास लेनी होगी। रणबीर सिंह जी, जब आपसे पूछते हैं तब आप बोलते नहीं हो और अभी जब बोलना नहीं है वहां तब आप पूरा पूरा क्लास रुक जाता है। आवाज सही नहीं आ रही मैडम। तो आपके एंड पे जो वाईफाई है ना वो सही नहीं होगा, ऐसा है? इसका रिकॉर्डेड दे देना, स्पीकर आपको कहाँ इस से पीपीटी होता है मिलता स्पीकर बता। दिल्ली से तो नहीं होती कैसी दीदी? आवाज सही नहीं आ पा रही इस वजह से थोड़ा आपकी बात, मिस्टेक आ रहा उनको है। म्यूट कर स्पीकर लो, नहीं कैसी उनको थोड़ी देर बाहर कर दो। कहाँ आ रहा है तो बताओ आवाज नहीं आ रही। अच्छा, से द बेस्ट वे, हमको अगर किसी को समझना है तो उसको सुनना पड़ेगा। नेक्स्ट, सुनने का क्या अर्थ है? अभी हम लोगों ने बात की, लाला राम जी ने बहुत अच्छा बताया कि हमको यदि हमें बोलना अधिक था तो हमारे दो मुंह होते। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन क्या है, इसका क्या अर्थ है? बहुत सारे स्किल्स लगते हैं इसमें। नेक्स्ट, चलो जल्दी जल्दी से चला लो। फिर पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन, एक मन से निकलती कोई बात दूसरे तक पहुंचती है और पूरी बात हम क्या है, हम जब सुनते हैं तो हमारी ग्रहण शक्ति कितनी, हम कितना ग्रहण कर पाते हैं, हमारा कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन दो मुख्य तरह से है, नॉन वर्बल और वर्बल। नॉन वर्बल कौन सा है? जो अशाब्दिक है, और वर्बल जो हम शब्दों में करते हैं। नेक्स्ट, अब ये देखिए, ये इसका उत्तर है। वर्बल माने शब्दों के उपयोग से हम केवल 7%, 7% सिर्फ हमारा शब्दों से आदान प्रदान होता है, बाकी आवाज किस किस शब्द पे हमने ज्यादा बल दिया वो महत्वपूर्ण है, 38%। टोन ऑफ वॉइस, बैठो किसी को बोला आदेशात्मक हो सकता है, बैठो आग्रह पूर्वक हो सकता है, बैठो प्रेम पूर्वक भी हो सकता है। फेशियल एक्सप्रेशन, जैसे कि लाला राम जी ने कहा उसके चेहरे से पता लग रहा था उसको पसीना आ रहा था झूठ बोलने में, तो ये सारी चीजें मिला के 93% हम ये समझते हैं नॉन वर्बल सोर्सेस से आता है, जो शब्द नहीं इस्तेमाल करते हैं। बच्चों से, गूंगों से, बहरों से, कितने सारे, इवन पशुओं से। आप देखिए ना, आपके घर में यदि पशु है तो कितना सारा वार्तालाप आप उससे कर पाते हो। नेक्स्ट, हम किन किन साधनों से करते हैं? बॉडी लैंग्वेज, हमारा पूरा शरीर बोलता है, इसीलिए कहते हैं मीडिएशन में आपका शरीर शुड बी वेरी विजिबली कनेक्टेड। शरीर बोलता है कि हमें कनेक्ट करना है, आपको सुनना है, हम सुनने के लिए आपको बैठे हैं। विजुअल इमेजेस से भी वार्तालाप हो सकती है, लिखित में हो सकती है, और ऑफकोर्स शब्दों से। नेक्स्ट, अब जैसे ये शब्द देखिए, आई डिडंट से यू वर स्टूपिड, एक सिंपल वाक्य है। मैंने नहीं कहा कि आप मूर्ख हो, मैंने नहीं कहा कि आप मूर्ख हो, और मैंने नहीं कहा कि आप मूर्ख हो, देखा ना?
अंजू मैडम, तीनों चीजों में फर्क? मैंने नहीं कहा कि आप मूर्ख हो, मैंने नहीं कहा कि आप मूर्ख हो, मैंने नहीं कहा कि आप मूर्ख हो। ये तीनों में अर्थ बदल गया कि नहीं? ठीक है, नेक्स्ट। तो यही जो पेड़ का बता रहे थे, कोडिफिकेशन, डीकोडिफिकेशन, नेक्स्ट। तो कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए? स्पष्ट होना चाहिए, पर्याप्त होना चाहिए, इंटेग्रिटी माने ऑनेस्ट, जो आप कहना चाह रहे हो उसके द्विअर्थी ना होना चाहिए, सिंपल, स्ट्रेट, और टाइमिंग, सही समय पे सही वाक्यांश। ठीक है, क्या क्रम होना चाहिए शब्दों का, इस पे और चर्चा करेंगे आगे, नेक्स्ट। किन किन साधनों से करते हैं? हियरिंग, स्मेल, सीइंग, टच, टेस्ट, ये सारी चीज हमारे वार्तालाप के साधन है। नेक्स्ट, आपको जैसे अंजू जी को हम खाने पे बुलाते हैं और अंजू जी को हमने, अंजू जी हम जानते हैं कि सिर्फ वेजिटेरियन खाना खाती हैं, ठीक है, कंदमूल फल खाती हैं, और हमने बहुत सारा मांस मुर्गा बना लिया, तो अंजू जी क्या समझेंगे हमारे बारे में? अंजू जी क्या समझोगे आप? अनम्यूट करो उनको। हमने बिना कुछ कहे भी उनसे कह दिया कि हम, देखो आपका आना हमें ठीक है, आप आ गए, लेकिन हम बहुत वेलकम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नॉन वर्बल अवेयरनेस, ये अगर हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को छोड़ दो, ठीक से समझे तो बहुत कुछ हम एक दूसरे को के बारे में जान सकेंगे। नेक्स्ट, वर्बल आप ले लेना फिर, है ना, सो दैट इन केस यू हैव टू गो बैक। ठीक है, ये सारे साधन है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, एक्टिव लिसनिंग, आपका शरीर जो बताया ना, बोलता हुआ रहना चाहिए, कम्युनिकेट करने को तैयार, आपका बॉडी लैंग्वेज, क्वेश्चन, क्वेश्चनिंग, और फिर क्या है, साइलेंस, माने साइलेंस का क्या अर्थ है संतोष मीना जी? क्या है साइलेंस का अर्थ है? खामोशी भी कुछ बोलती है क्या? जी मैडम, निश्चित तौर पे खामोशी बोलती है। आपने पिक्चर देखी है खामोशी? मैडम आपने कल भी कहा कि पिक्चर शायद मैं कम देखता हूँ, ये सही बात आपकी, खामोशी पिक्चर मैंने नहीं देखी, लेकिन निश्चित तौर बोलती है। आपने वो गाना सुना है, कुछ ना कहो कुछ भी ना कहो, क्या सुनना है क्या कहना है, सुना है ना ये गाना? जी जी मैडम, सुना है, सुना है ना, उसमें क्या सुना है मैडम, उस गाने में वो क्या कह रहा था? वो कहा कुछ नहीं है पूरे गाने में, क्या कहना है, क्या सुनना है, क्या कहना है, क्या सुनना है, लेकिन वो गाने का भाव क्या था लाला राम जी? आवाज नहीं आ रही लाला राम जी की। जी मैम, मैं फिल्म बिल्कुल नहीं देखता, पूरे जीवन में 4-5 फिल्में देखी हुई हैं बस। अरे तो आपने ये गाना तो सुना होगा ना? नहीं नहीं, मुझे आप लोगों में से कोई गाना गाता होगा तो गाएगा, बताएगा, कुछ ना कहो। अंजू जी आप सुनते गाते हो? नहीं मैडम, गाती नहीं, सुनती हूँ, बट ये वाला गाना नहीं, गाती नहीं, सुनती हूँ, बट ये वाला गाना मैंने नहीं सुना है। अच्छा, 1942 लव स्टोरी, हाँ, आप लोग सब जाके आज गूगल करके देखना, ठीक है जी मैडम। उसका क्या हुआ, साइलेंस भी बोलता है, ओके, जानिए मीडिएशन में साइलेंस भी बोलना, आपको समाज की नब्ज अगर पकड़नी है तो देखना सुनना पड़ेगा भाई, एक जीवन पर्याप्त नहीं है सब कुछ समझने के लिए, इसीलिए हम पिक्चर, कहानी, कथा, बातचीत से हम समझते हैं, क्योंकि हम दूसरों के जीवन से बहुत कुछ समझते हैं जी मैडम। और एम्पथी क्या है, सिंपथी और एम्पथी दो शब्द हैं, बहुत
अक्सर उसका उपयोग करते हैं। क्या है सिंपैथी और क्या है एम्पैथी? सिंपैथी माने आपके पड़ोस में किसी को कुछ हो गया, ठीक है, आप वहां गए, अफसोस मनाते हो ना जी, अफसोस मनाने जाते हैं, तो जो नहीं जाता वो कहते हैं भैया वो नहीं गया, देखो हमारे उसमें दुख में नहीं पहुंचा, बोलते हैं ना लोग। लेकिन एम्पथी जो है उससे बढ़ के है। एम्पथी का क्या अर्थ होता है कि हम दूसरे के मन मस्तिष्क को समझे और उसके ऊपर उठकर उभर कर ये देखें कि उनको क्या है, उनका पहलू क्या है, और उनको ऊपर उस पहलू से उठने की क्षमता जो देता है वो एम्पथी कहलाता है। मीडिएशन में हमें सिंपथी नहीं, हमें एम्पथी जानना चाहिए। एम्पथी माने दूसरे के दिमाग में प्रवेश कर समझना और उसको समझ को आगे बढ़ाना कि इसका श्रेष्ठ उपाय क्या हो सकते हैं, ठीक है। सिंपथी में तो हम सिर्फ जाके उनके साथ रो लेते हैं, ठीक है, लेकिन एम्पथी में हम आगे बढ़ने की क्षमता रखते हैं। नेक्स्ट, वर्बल कम्युनिकेशन कैसा होगा? हमने अंजू जी को सुबह फोन लगाया, हेलो कैसी हैं? लेकिन अंजू जी ने हमें फोन लगाया, हमने कहा हेलो क्या मदद कर सकती हूं मैं आपकी। अंजू जी को आगे बात करने का मन करेगा क्या, पहले में या दूसरे में? पहले में ऑब्वियसली, लाला राम जी का भी मन, लाला राम जी अगर बगल में बैठे कान लगाए तो वो भी मन करेगा बात करने में जी, ठीक है। सो इसका वर्बल कम्युनिकेशन जैसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का जो सिस्टम है उसी तरह से वर्बल कम्युनिकेशन का भी एक प्रक्रिया है, वो धरातल बनाते हैं आगे बढ़ने के लिए। मीडिएशन में जो इंट्रोडक्शन बहुत संक्षिप्त है लेकिन वो पैरामीटर है आगे बढ़ने के लिए। आप उस 5 मिनट के अंदर समझ जाते हो दोनों पार्टीज किस सीमा तक इस विवाद को आगे लेकर चलेंगे, क्या उनके पॉजिटिव हैं, क्या उनके नेगेटिव हैं, वो आप तुरंत समझ जाओगे इनका स्टाइल क्या है। वो कछुआ रहेगा या शार्क रहेगा या लोमड़ी जैसा रहेगा, ये सारी कुछ आपको समझ में आ जाएगा जस्ट बाय दिस। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन पूछ के हम आगे अच्छी वर्बल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। क्वेश्चन उचित होना चाहिए और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारा क्वेश्चन पुलिस थानेदार जैसा इंटरोगेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। पत्नी जो का आक्षेप है कि पति मुझे पीटता है और बाद में सॉरी सॉरी बोल देता है, नाउ ये विवाद है और पति का कहना है कि क्या है, मैं दिन भर के बाद ऑफिस से आता हूं और इसका इतना भी नहीं रहता टाइम से इसका खाना तैयार हो। जब आप दोनों से अलग अलग सत्र में बात करते हो तो आप क्वेश्चंस कैसे पूछोगे, क्या उचित क्वेश्चन होंगे? यदि आपने पत्नी से कहा कि आप क्या खाना गर्म नहीं रख पाती हो, क्या उचित होगा क्या ये क्वेश्चन? रचना जी, रचना जी कैसा रहेगा ये क्वेश्चन? रचना जी की आवाज नहीं आ पा रही हम तक। अंकित है कि नहीं? रचना जी हम तक कनेक्ट नहीं हो पा रही लगता है,
लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं पूछना है कि आप क्या आप खाना नहीं गर्म कर पाती। आप यू मस्ट आस्क क्वेश्चन, आप कैसे उसको रिफ्रेम करोगे, ये कहिएगा कि मैडम आपको खुद कैसा लगता है खाना, कैसा परोसा जाए, अच्छा ठंडा गर्म कैसा हो। ये अपने आप को कर लो, इसको 11 बजे मुझे कनेक्ट करना है, मैं किसी लैपटॉप से भी कर लूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कभी भी थानेदार जैसा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए जैसे आप बाल्य अवस्था में किसी से वार्तालाप करते हो, प्रेम भरा होना चाहिए। नॉट प्रेम, प्रेम ऐसा नहीं कि मैंने आपको कोई दूसरा आक्षेप ही लगाने लग गए, लेकिन ऐसा होना चाहिए बहुत समझदारी पूर्वक। देन आप दूसरे आदमी से पूछ भी नहीं सकते भाई आपने उसको पीटा, आपको क्या लगता है महिला सम्मान के प्रति आपके क्या राय है ये पूछ सकते हो। आप ये कह सकते हो कि आपकी पत्नी की अपेक्षा है कि आप उनका सम्मान करें, पत्नी से कह सकते हो आपके पति की अपेक्षा है कि गर्म खाना मिले, शायद सबको अच्छा लगता है। इस तरह से आपको क्वेश्चंस को रिफ्रेम करना है। टाइमिंग और कॉन्टेक्स्ट, यदि रचना जी से मैंने पूछा आपके दो बच्चे हैं, मैडम ने कहा हाँ, कितने बच्चे हैं रचना जी, ओके रचना जी का नहीं सुन पा रही हूं मैं, अंजू जी आपके कितने बच्चे हैं, हेलो, हाँ हाँ मैम 3 बच्चे मेरे, 2 बेटी और 1 बेटा। ओके आपने, अब हमने नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि मैडम आपकी शादी हो गई क्या। देखो ये टाइमिंग हो गलत हो गया ना, यदि मैं पहले पूछती कि मैडम आपकी शादी है हो गई फिर हम पूछते बच्चे कितने हैं तो ठीक था, लेकिन जहां मैंने पूछा बच्चे कितने और फिर पूछा शादी हो गई तो मैडम तो उठा के मुझे दौड़ा देंगे, दौड़ा दोगी ना, सही है मैडम। इसी तरह क्वेश्चन पूछे लेकिन टाइमिंग से पूछे, ठीक है, क्रम से पूछे, क्या कब पूछना है। नेक्स्ट, क्वेश्चन कभी भी पार्शियलिटी से नहीं होना चाहिए, कभी भी उसमें नहीं दिखना चाहिए कि आप किसी का साथ ले रहे हो, ना कभी ऐसा होना चाहिए कि आप किसी की बुराई कर रहे हो, क्योंकि मध्यस्थता की प्रक्रिया में हम कभी भी किसी की बुराई नहीं कर सकते, कभी भी। हर इंसान जो कृत्य करता है उसके पीछे एक इंसान है, और इंसान ईश्वर की उत्तम कृति है, जो करता है उसके पीछे कारण क्या है वो जानना है, और उसको समस्या वही समस्या का समाधान उसी समस्या के भीतर है वही निकालना है। नेक्स्ट, फिर कोई चीज बार बार नहीं दोहराना है, बिल्कुल क्लियर स्ट्रेटेजी। जब भी मीडिएशन में बैठो पहले से तैयार करो कि आपको पूछना क्या है, करना क्या है। विचार और एक्सप्रेशन, ऐसा नहीं कि आप पूछ रहे हाँ मैडम आपकी क्या समस्या, लेकिन आप बार बार घड़ी देख रहे हो तो उसको क्या लगेगा कि आप जल्दी में हो, सुनना नहीं चाह रहे हो, जाना है आपको घर पर। नेक्स्ट नेक्स्ट आगे चलो, एक जन बोल रहा है ना तो उसको सुनना चाहिए। नेक्स्ट, हाँ कैसे सुनोगे, उसकी तरफ देखकर उसको लगना चाहिए कि आप उसको सुन रहे हो, और जब आप सुन रहे हो तो अपने बाकी हरकत माने हिलना डुलना कम करें, ठीक है, पोस्चर ओपन रखें। नेक्स्ट, जो नहीं कहा गया है एक वैवाहिक विवाद में, जो नहीं कहा गया है वो ढूंढिए उस शब्द को, क्या चीज नहीं कही गई है, आप क्या सुनना चाह रहे हैं, बाकी लोगों के साथ कैसे इनके रिश्ते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पति और पत्नी के बीच में विवाद हुआ तो शादी तोड़ने के लिए आ जाए, उनके बच्चे भी तो होंगे, उन बच्चों का क्या होगा, क्या चीज नहीं कही गई उस पर प्रश्न पूछिए। नेक्स्ट, और कुछ सुनने से पहले कोई परिणाम मत निकालिए,
बहुत जल्द जल्दबाजी में किसी को किसी के बारे में उपधारणा मत बनाइए। ऐसा नहीं है कि अंजू जी मुझे कोई कहानी बता रही अपनी व्यथा और मेरा दिमाग कहीं और चल रहा है। अरे मैं तो कुकर गैस पर छोड़ आई थी लेकिन गैस का बंद ही नहीं किया, पता नहीं ये कब अपनी बात पूरी करेंगी। इस तरह से माइंड चैटरिंग, अच्छा सा कोई कुछ पहना, अच्छा ये तो मैंने उस दुकान में भी पहने देखा है, बोल नहीं रहे हैं लेकिन दिमाग के अंदर भी तो एक चैटरिंग होती रहती है। मन कहते हैं सबसे ज्यादा उच्छृंखल है। हाँ अभी मत आवाज करिए, अभी म्यूट कर लो इनको, ठीक है। नेक्स्ट रिस्पॉन्ड विद एम्पथी। जब आपने यदि एक पक्ष के प्रति हाथ फैला के अगर आपने उनको पानी दिया, दूसरे को नहीं दिया तो नाराज हो जाएगा। इसीलिए आपने एक पक्ष के साथ जो किया दूसरे पक्ष के साथ भी वही करो, ठीक है। नेक्स्ट रिफ्लेक्टिव लिसनिंग। पहले तो आपने जो कहा, मान लीजिए आपकी सेशन चल रहा है, आपने जो दूसरे ने कहा आप उनको पहले रिफ्लेक्ट करो, उनकी जितनी चीजें कही गई हैं उसको सकारात्मक रुख ले आओ, क्लैरिफाई द इम्प्लिसिट जो उसके अंदर अंदरूनी बात है उसको भी वापस लाओ और उसके भीतर की क्या भावना है उसको रिफ्लेक्ट करने के, वो बोल नहीं पा रहा इतना। ये हम लोगों ने देखा था ना कि कई पर्सनालिटीज होती है कछुए जैसी, बोल ही नहीं रहे हैं लेकिन मुंह झुकाए नीचे बैठे हैं। एक एक जब अब केस किसी विवाद, दो भाइयों के बीच में विवाद है और पिताजी माताजी भी वहां खड़े हैं, ये विवाद नहीं निपटा तो ये संभव है कि दोनों के पीछे लट भी पड़ जाएंगे और एकाध तो जेल भी चला जाएगा। फिर ये देखना है कि आफ्टरऑल इनके बीच में ऐसी क्या चीज है, क्या संपत्ति का विभाजन ठीक से नहीं हुआ, या ऐसा तो नहीं लगता उनको कि कुछ उनका हिस्सा दूसरे के पास चला गया। ये हिस्सेदारी वगैरह तो सब यही का यही धरी रह जाती है, हालांकि हमें फिलॉसफी तो नहीं करनी है, फिर भी एक दूसरे को बेस्ट पॉसिबल जो गेन हो सकता है उस पूरे बार्गेनिंग सिचुएशन से वो दिलाना है। नेक्स्ट साइलेंस का उपयोग करो और आई कॉन्टेक्ट। आपकी बॉडी ऐसी होनी चाहिए, मैं सुन रहा हूं, मैं इंटरेस्टेड हूं, आप महत्वपूर्ण है और मैं आपको आपका ध्यान रख रही हूं। नेक्स्ट